मॉर्निंग बेटे, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज हम डेवलपमेंट करेंगे, ठीक है, डेवलपमेंट इन केस ऑफ फ्रॉग। तो फ्रॉग के केस में हमने पढ़ा था कि मेल फीमेल सेपरेट है और बिफोर एग्लिंग प्रोसेस देर इज एम्प्लेक्सिस। एम्प्लेक्सिस जो सेक्सुअल एक्ट है, कलम ने पढ़ा था कि एग ले करने से पहले जो है मेल फीमेल जो है दे मीट। एम्प्लेक्सिस जो रेनी सीजन है, ब्रीडिंग सीजन है, ब्रीडिंग सीजन के दौरान मेल फीमेल जो है वो मीट करते हैं। मेल प्रोड्यूस क्रॉकिंग साउंड ड्यूरिंग मॉनसून सीजन एंड फीमेल अट्रैक्ट टूवर्ड्स मेल एंड दे कॉपुलेट। बट जो कॉपुलेशन है वो एक तरह से फिजिकल कॉपुलेशन है, इसमें जस्ट मेल फीमेल एक दूसरे के साथ कॉन्टेक्ट करते हैं। और जहाँ पे एग लेइंग प्रोसेस होती है, जहाँ पे फीमेल एग ले करती है, सेम पॉइंट पे वहीं पे ही मेल जो है वो स्पर्म को शेड करता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो स्पर्म की शेडिंग है वो इनसाइड फीमेल जेंडर ट्रैक नहीं होएगी, जो मेल है वो गैमीट्स को यानी कि स्पर्म्स को शेड करेगा आउटसाइड यानी कि वाटर में, और फीमेल भी जो है एग ले करेगी वाटर में। तो जो फर्टिलाइजेशन होएगी वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इज देयर, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होएगी यानी कि स्पर्म और ओवम का जो फ्यूजन है वो आउटसाइड बॉडी यानी कि वाटर के अंदर होएगा, इनसाइड वाटर, वाटर में मेल फीमेल के मीट का फ्यूजन होएगा। तो फर्टिलाइजेशन कैसी है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। पर ओवम की स्ट्रक्चर है वो टिपिकल स्पर्मेटोजोन है, हैविंग थ्री रीजन, हेड मिडल पीस एंड टेल, और हेड रीजन में न्यूक्लियस और एक्रोसोम पार्ट है। जाइगोट में जो साइटोप्लाज्म है वो एक्चुअली एग साइटोप्लाज्म है। तो वो एग फर्टिलेशन के पहले कैसा था और फर्टिलेशन के बाद कैसा था वो हम पहले ड्रॉ करेंगे यहाँ पे। एग बिफोर फर्टिलेशन, उसके एक तरफ पॉलर बॉडी है और जिस हाफ की तरफ पॉलर बॉडी प्रेजेंट है उसको बोलेंगे हम एनिमल पोल, और जो वेजिटल हाफ है उसमें योक प्रेजेंट है। वेजिटल हाफ में योक प्रेजेंट है, तो 50% एग के अंदर योक प्रेजेंट है और 50% एग के अंदर योक प्रेजेंट नहीं है। तो ये क्लियर साइटोप्लाज्म है। उसके बाद तीन जेली कोट लेयर है, अनफर्टिलाइज्ड एग की स्ट्रक्चर है, ठीक है। मेसोलेसिकल एग है, मेसोलेसिकल, मेसोलेसिकल का मतलब है मॉडरेट अमाउंट ऑफ योक, 50% एग के अंदर योक प्रेजेंट है, 50% पोर्शन में योक प्रेजेंट नहीं है। तो ऐसे एग को क्या बोलेंगे हम, मेसोलेसिकल, हैविंग मॉडरेट योक। अब जो योक वाला एंड है ये योक की साइटोप्लाज्म है, इस एंड को बोलेंगे वेजिटल पोल, वेजिटल पोल, और जो अपोजिट एंड है उसको बोलेंगे एनिमल पोल। तो जिस तरह पोलर बॉडी है, ये पोलर बॉडी है, फर्स्ट पोलर बॉडी, फर्स्ट पोलर बॉडी, जो फर्स्ट डिवीजन के बाद जब गैमेटोजेनेसिस के दौरान ओवोजेनेसिस के दौरान डिवीजन हुई तो फर्स्ट पोलर बॉडी बनी थी, फर्स्ट पोलर बॉडी। तो पोलर बॉडी वाला जो एंड है वो एनिमल पोल है और अपोजिट एंड जो है वो वेजिटल पोल है।
साइटोप्लाज्म है, यानी कि जिसमें योक प्रेजेंट नहीं है, और यहाँ पे बीच में एग न्यूक्लियस है, ठीक है। तो नीचे लिख लो अनफर्टिलाइज एग, ये अनफर्टिलाइज एग की स्ट्रक्चर है, ठीक है, अनफर्टिलाइज। अभी फर्टिलाइजेशन से पहले जो है कैसा एग है, तो अनफर्टिलाइज जो एग है उसमें एनिमल वेजिटल एक्सिस आपको नजर आएगी, जो योकलेस रीजन है, और जिस तरह पोलर बॉडी नजर आ रही है आपको, वो बड़ा हाफ जो एग का, दैट इज एनिमल हेमिस्फीयर, और जो अपोजिट जिस तरफ योक प्रेजेंट है, योक की पार्ट ऑफ एग इज वेजिटल हेमिस्फीयर, और जो पोल है उसको बोलेंगे वेजिटल पोल। मीजोलेसिटल टाइप एग है, इसको हम टीलोलेसिटल भी बोल सकते हैं, टीलोलेसिटल, टीलोलेसिटल का मतलब है कि अगर योक जो है वो वेजिटल हाफ की तरफ कंसंट्रेट है और एनिमल हाफ जो है विदाउट योक है, ऐसी कंडीशन में जो एग है उसको हम बोलेंगे टीलोलेसिटल। तो यहां तक पता चल गया सबको, ओके। उसके बाद देखो फर्टिलेशन होएगी, फर्टिलेशन मैंने बताया कि एक्सटर्नल फर्टिलेशन है, और फर्टिलेशन के बाद जो एग होगा तो वो कैसा होएगा, देखो फर्टिलाइज्ड एग, से पहले वाली कंडीशन है हैप्लोइड एग है, लेकिन आफ्टर फर्टिलेशन स्पर्म का न्यूक्लियस भी इसमें फ्यूज कर गया इसके साथ, तो डिप्लोइड न्यूक्लियस प्रेजेंट है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एक नया एरिया डेवलप हो गया, यहाँ पे एक छोटा सा जिसको हम बोलेंगे ग्रे क्रीसेंट, ग्रे क्रीसेंट, ठीक है, ग्रे क्रीसेंट एरिया डेवलप हो गया, वाली मेम्ब्रेन है, दैट इज फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन, यानी कि ये फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन जो है वो वाइटल लाइन मेम्ब्रेन से डेवलप हुई, जो यहां भी ये वाली मेम्ब्रेन है, ये वाइटल लाइन मेम्ब्रेन है, लेकिन आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन वाइटिलाइन मेम्ब्रेन चेंज टू फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन, ठीक है, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन में चेंज हो जाएगी, और यहाँ पे आपको एक ग्रे क्रीसेंट वाला जो एरिया है, ठीक है, ये डोर्सल साइड एक्ट करेगा फ्यूचर एम्ब्रियो में, और जो अपोजिट एंड है वो वेंट्रल,
वेंट्रल एंड एक्ट करेगा, यानी कि एनिमल पोल वाला एंड एंटीरियर, ये फ्यूचर में इंटीरियर एंड होगा, और जो वेजिटल हाफ वाला एंड है वो फ्यूचर में पोस्टीरियर एंड एक्ट करेगा, ठीक है। और जो ग्रे क्रिसेंट वाला एरिया है इट एक्ट्स एज डोर्सल एंड, एंड अपोजिट टू दैट एक्ट एज वेंट्रल एंड, यानी कि एनिमल हाफ वाला एंड जो इंटीरियर, वेजिटल हाफ वाला पोस्टीरियर, ठीक है, ग्रे क्रिसेंट डोर्सल और अपोजिट एंड वेंट्रल, ये पता चल गया बेटे आपको। अब देखो यहाँ पे कौन कौन से चेंजेस आए, एग अनफर्टिल एग का जब फर्टिल एग में वो कन्वर्ट होया, ठीक है, हो गया, यानी कि आफ्टर फर्टिलेशन जो क्या क्या इफेक्ट हुए वो आप देख सकते हैं। सबसे पहले ये पेज नंबर 118 पे दिया हुआ है, फर्स्ट पॉइंट देखो, आफ्टर फर्टिलेशन, फर्टिलेशन के क्या क्या इफेक्ट हुए। तो पहला इफेक्ट है एग न्यूक्लियस इज स्टिमुलेटेड रिज्यूम कंप्लीट द सेकंड मैचुरेशन डिवीजन, जो एग जो है प्राइमरी ओसाइट में रिलीज हो गया था, उसके बाद जो उसमें सेकंड मैचुरेशन डिवीजन हुई यानी कि मियोसिस वन हुई, ठीक है, उस सेकंड जो डिवीजन है वो तभी होएगी जब एग का कॉन्टैक्ट जो है वो स्पर्म के साथ होएगा। तो पहला तो ये इफेक्ट हुआ कि जो सेकंड मियोटिक डिवीजन या सेकंड मैचुरेशन डिवीजन जो इनहिबिट कर गई थी, एक स्टेज पे आके रुक गई सी, वो क्या होगी, रिज्यूम होगी, ठीक है, उसकी रिजम्पशन होगी। दूसरा है डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज रिस्टोर्ड, यानी कि अब जो इसमें डिप्लॉयड न्यूक्लियस है ये वाला, इसमें डिप्लॉयड नंबर आ गया क्रोमोसोम का, यानी कि 26 क्रोमोसोम आ गए, जबकि अनफर्टिलाइज्ड एग के अंदर जो है 23 क्रोमोसोम थे। तो आफ्टर फ्यूजन विद स्पर्म इट रिस्टोर्ड डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। उसके बाद जो थर्ड इफेक्ट है, सेंट्रियोल्स आर इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ सेंट्रियोल, जो एग के अंदर सेंट्रियोल की इंट्रोडक्शन हुई वो कहां से हुई, स्पर्म से हुई, यानी कि एग साइटोप्लाज्म में सेंट्रियोल नहीं था, वो उसकी इंट्रोडक्शन हुई कहां से, फ्रॉम स्पर्म। तो अब सेंट्रियोल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जो क्लीवेज होएगी तो क्लीवेज में जो स्पिंडल फॉर्मेशन है वो सेंट्रियोल ही करवाएगा या सेंट्रियोल के कारण ही। तो पता चल गया कि जो कंजम्पशन है ऑक्सीजन की वो भी बढ़ जाएगी, क्योंकि जो जाइगोट के अंदर साइटोप्लाज्मिक पोर्शन है वो एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। अब डीएनए से आरएनए और आरएनए जो है वो आगे ट्रांसलेशन करके प्रोटीन बनवाना शुरू कर देगा, इसलिए ऑक्सीजन कंजम्पशन जो है वो फर्टिलेशन के बाद इंक्रीज हो जाएगी, तो ये भी एक फर्टिलेशन का इफेक्ट है। उसके बाद जो साइटोप्लाज्म एग लॉस्ट विद पोलर बॉडीज रिस्टोर्ड बाय दैट कमिंग इन विद द साइट स्पर्म, यानी कि जो पोलर बॉडीज के कारण लिटिल बिट अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म लॉस्ट वो भी क्या हो जाएगी, रेस्टोर्ड हो जाएगी, क्योंकि जो स्पर्म का साइटोप्लाज्म है उतना का साइटोप्लाज्म वो भी डिस्ट्रीब्यूट कर देगा एग के अंदर जितना कि पोलर बॉडी के थ्रू लॉस्ट हुआ था, यानी कि साइटोप्लाज्मिक पोर्शन भी रेस्टोर्ड हो गया और क्रोमोसोमल नंबर भी रेस्टोर्ड हो गए, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट इफेक्ट है, The sperm mitochondria provide some ATP to the egg for its activation. तो जो egg की activation के लिए energy चाहिए, that comes from ATP. और ATP कहाँ से आया? From sperm. Sperm से आया, ठीक है? Then, tenth जो effect है, that is the egg is stimulated to begin segmentation. और अब जो है फर्टिलाइज एग जो है उसमें सेगमेंटेशन होना शुरू हो जाएगी, यानी कि जो कंपोनेंट्स हैं वो अलग अलग ब्लास्टोमियर में डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो जाएंगे। इससे पहले एक कॉमन ओप्लाज्मिक फैक्टर थे, ठीक है, एक ओप्लाज्मिक पोर्शन था, कॉमन था वो,
पूरे अनफर्टिलाइज में एक जैसा ही साइटोप्लाज्म जैसा मटेरियल था, ठीक है, एक जैसा मटेरियल था, एक जैसे कंपोनेंट थे, लेकिन जैसे जैसे अब जैसे ही फर्टिलेशन वाला इफेक्ट होएगा, फर्टिलेशन होएगी, तो अलग अलग ब्लास्टोमियर में अलग अलग तरह के ग्रेन्यूल्स, अलग अलग तरह के ओवोप्लाज्मिक फैक्टर डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो जाएंगे, यानी कि सेगमेंटेशन होना शुरू हो जाएगी। तो ये भी एक फर्टिलेशन का इफेक्ट है। और फर्टिलेशन के कारण दो डिफरेंट पेरेंट से क्रोमोजोम आए, इसका मतलब क्या हुआ कि वेरिएशन की जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जो फर्टिलेशन हुई, ठीक है, यानी कि जो अनफर्टिलाइज्ड है अगर उसकी डेवलपमेंट हो जाती बिना स्पर्म के, जैसे पार्थेनोजेनेसिस में भी होता है, तो वो डेवलप तो कर सकता है बिना स्पर्म के भी कर सकता है, लेकिन उसमें फिर वेरिएशन इंट्रोड्यूस नहीं होगी। तो फर्टिलेशन का इफेक्ट एक जो है वो ये भी है कि वो एग के अंदर वेरिएशन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर हाफ जो क्रोमोसोम है वो कहाँ से आए, वो आए स्पर्म से, ठीक है। तो वेरिएशन इंट्रोड्यूस करेगा, और जिन ऑर्गेनिज्म में वेरिएशन होएगी दे हैव अडेप्टेबिलिटी, उनमें अडेप्टेबिलिटी भी होती है, ठीक है। तो ये पता चल गया बेटे। उसके बाद है क्लीवेज, ठीक है। तो माइटोटिक डिवीजन ऑफ जाइगोट, माइटोटिक डिवीजन ऑफ जाइगोट, माइटोटिक डिवीजन ऑफ जाइगोट इज नोन एज क्लीवेज। तो ये माइटोटिक डिवीजन है, इसमें क्रोमोसोम का नंबर तो सभी सेल में जितने भी नए सेल बनेंगे सब में उतना ही क्रोमोसोम नंबर होगा जितना कि जाइगोट में था, लेकिन जाइगोट जो है, जो पहले डिप्लोइड यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर थी, वो डिप्लोइड मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। अब क्योंकि इसका एग जो है वो मेसोलेस्टल नेचर का है, यानी कि जो योक की अमाउंट ना तो ज़्यादा है ना कम है, जिन एग के अंदर योक की मात्रा ज़्यादा होती है 50% से भी ज़्यादा होती है, उन एग के अंदर या उन जाइगोट के अंदर जो क्लीवेज होएगी वो कंप्लीट नहीं होती है, यानी कि योक की वाला पार्ट जो है, योक वाला पार्ट जो है वो डिवाइड नहीं करता है, इसलिए उनमें मीरोप्लास्टिक क्लीवेज होती है, यानी कि इनकम्प्लीट क्लीवेज। लेकिन जो फ्रॉग एग है उसमें मॉडरेट अमाउंट ऑफ योक है, इसलिए उसमें जो क्लीवेज होएगी वो होलोब्लास्टिक क्लीवेज, ठीक है। केड़ी क्लीवेज होएगी, होलोब्लास्टिक क्लीवेज का मतलब क्या है, कौन बताएगा, अमन बताएगी, अमन व्हाट डू यू मीन बाय होलोब्लास्टिक क्लीवेज, अमृत बताएगा, अमृत होलोब्लास्टिक क्लीवेज क्या है, होलोब्लास्टिक होखी नहीं होगी, एक कौन लिख रहा, होलोब्लास्टिक क्लीवेज का मतलब है कि जाइगोट कंप्लीटली डिवाइड करेगा, ये होलो दूसरा नहीं है खोखला, इसका मतलब है कि जाइगोट कंप्लीटली डिवाइड करेगा, सारा का सारा जो पोर्शन एग का वो डिवाइड करेगा, कंप्लीट जाइगोट की डिवीजन होएगी। तो जब जाइगोट कंप्लीटली डिवाइड करे माइटोटिक डिवीजन के थ्रू, ऐसी क्लीवेज को हम बोलेंगे होलोब्लास्टिक क्लीवेज, ठीक है। तो जिसमें मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट क्लीवेज ऑलवेज वर्टिकल, लेकिन उसके बाद जो सक्सेसिव डिवीजन है उसमें जो इवन नंबर की डिवीजन है फर्स्ट डिवीजन के बाद वो तो वर्टिकल होएगी, और जो ओड डिवीजन होएगी यानी कि थर्ड और फिफ्थ जो डिवीजन है वो हॉरिजेंटल होएगी, और जो सेकंड फोर्थ और सिक्स्थ क्लीवेज है वो वर्टिकल होएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप ड्रॉ कर सकते हैं,
अब देखो फर्टिलेशन का इफेक्ट क्या हुआ कि एग के या जाइगोट के फर्टिलाइज एग भी बोल सकते हैं या जाइगोट भी बोल सकते हैं, तो उसमें पिगमेंटेशन होगी, ठीक है। इस तरह से ये फर्टिलाइज्ड एग है, उसका हाफ एरिया पिगमेंटेड है और हाफ एरिया नॉन पिगमेंटेड है, तो ये जाइगोट है। अब जाइगोट में, जाइगोट के अंदर जो फर्स्ट क्लीवेज होएगी, मैंने बताया कि फर्स्ट क्लीवेज ऑलवेज वर्टिकल, तो वर्टिकल क्लीवेज होएगी और जो जाइगोट है वो दो ब्लास्टोमियर में डिवाइड कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा दिखाया अलग तरीके से है, वो आप देख सकते हैं, है ये वर्टिकल ही है, ये आपको 3D फॉर्म में दिखाने की कोशिश की है उन्होंने, 3D फॉर्म में दिखाने की कोशिश की है। तो देखो यहाँ पे आफ्टर फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन विच इज वर्टिकल, जाइगोट डिवाइड इनटू टू सेल एंड दीस सेल्स आर ब्लास्टोमियर, इनको क्या बोलेंगे, ब्लास्टोमियर, और इस दौरान स्टेज को बोलेंगे टू सेल्ड स्टेज। तो जाइगोट जो है वो होलोब्लास्टिक क्लीवेज के थ्रू डिवाइड करेगा, फर्स्ट क्लीवेज वर्टिकल है, ठीक है, वर्टिकल प्लेन से डिवाइड करके दो ब्लास्टोमियर में डिवाइड कर जाएगा जाइगोट। उसके बाद जो सेकंड क्लीवेज है वो भी वर्टिकल है बट 90 डिग्री टू फर्स्ट वन, यानी कि फर्स्ट क्लीवेज के 90 डिग्री के एंगल पे होएगी, बट सेकंड क्लीवेज भी वर्टिकल है। मैंने बताया कि फर्स्ट ऑलवेज वर्टिकल, और जो फर्स्ट के बाद इवन नंबर में आएंगी सेकंड फोर्थ और सिक्स्थ वो वर्टिकल, और जो ऑड नंबर में आएंगी 3, 5 वो हॉरिजॉन्टल। तो सेकंड क्लीवेज आल्सो वर्टिकल बट राइट एंगल टू फर्स्ट वन। तो अब जो है हमारे पास, देखो जैसे है, जब क्लीवेज हो रही है तो जाइगोट जो है वो फर्स्ट एम्ब्रियोनिक स्टेज में कन्वर्ट होएगा मोरूला में, 64 या 32 या 64 सेल स्टेज को हम मोरूला स्टेज बोलते हैं, वो एक सॉलिड मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है। लेकिन इस दौरान एम्ब्रियो का साइज नहीं बढ़ेगा, जितना जाइगोट का साइज था उतना ही एम्ब्रियो का साइज होगा। हमने पढ़ा भी था, जब हमने क्लीवेज को डिटेल से पढ़ा था, अलग अलग एनिमल में पढ़ चुके हैं क्लीवेज, वही चीज फिर से बता रहा हूँ, तो आप कंफ्यूज नहीं होना। तो देखो यहाँ पे दिखाने का तरीका एक तरह से 3D फॉर्म में दिखाने की कोशिश की है, ठीक है। ये मत सोचना कि ये तिरछा दिखाया, तिरछा ये 3D फॉर्म में दिखाने की कोशिश की है कि जब फर्स्ट डिवीजन इस तरह है तो सेकंड डिवीजन भी वर्टिकल है लेकिन 90 डिग्री टू फर्स्ट, ठीक है। तो आफ्टर सेकंड क्लीवेज फोर सेल स्टेज इज देयर। तो देखो एक उसमें मैंने पिगमेंटेड एरिया भी शो किया, एक तरफ पिगमेंटेड एरिया बनेगा, ठीक है। तो सेकंड क्लीवेज के बाद जो है वो एम्ब्रियो कौन सी स्टेज में आ गया, फोर सेल स्टेज में, चार ब्लास्टोमियर बन गया अब इसके, फोर सेल। उसके बाद जो थर्ड क्लीवेज है दैट इज हॉरिजॉन्टल, ओरिजेंटल तो है लेकिन स्लाइटली अबव इक्विटोरियल प्लेन, जो एग का हाफ साइड होती है हाफ, ठीक है, मिडल एरिया होता है उसको बोलते हैं इक्विटोरियल।
लेकिन उस इक्वेटोरियल लाइन से थोड़ा सा ऊपर से डिवीजन होएगी, यानी कि जो ऊपर वाला हाफ है अपर हाफ के जो ब्लास्टोमियर हैं वो छोटे साइज के होंगे, जिनको हम बोलेंगे माइक्रोमियर, लेकिन जो लोअर हाफ के जो सेल्स हैं चार सेल वो बड़े साइज के होंगे, जिनको बोलेंगे मैक्रोमियर। तो आफ्टर थर्ड क्लीवेज जो कि अनइक्वल है, अनइक्वल एंड हॉरिजेंटल, अनइक्वल एंड हॉरिजेंटल कन्वर्ट एम्ब्रियो टू एट सेल स्टेज। थर्ड क्लीवेज जो है स्लाइटली अबव टू इक्विटोरियल प्लेन, इक्विटोरियल प्लेन से थोड़ा सा ऊपर है, यानी कि अनइक्वल। थर्ड डिवीजन इज हॉरिजॉन्टल एंड अनइक्वल व्हिच डिवाइड फोर सेल एम्ब्रियो टू एट सेल एंड अपर ब्लास्टोमियर और माइक्रोमियर व्हिच आर स्मॉल इन साइज and lower tier of blastomere is larger size, blastomeres are larger size, जो lower side की blastomere है they are larger in size and upper tier में जो cells हैं चार cell हैं वो छोटे size की होंगी, तो उनको बोलेंगे micromeres, micromeres और लोअर साइड वाली मैक्रोमियर्स, मैक्रोमियर्स। उसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेज, नेक्स्ट जो क्लीवेज है वो हॉरिजॉन्टल है, फोर्थ क्लीवेज, फोर्थ क्लीवेज अगेन वर्टिकल, फिर से वर्टिकल आ गई, यानी कि फर्स्ट क्लीवेज वर्टिकल, फिर सेकंड वर्टिकल, थर्ड हॉरिजॉन्टल, फोर्थ फिर से वर्टिकल, और जो एम्ब्रियो को यानी कि एट सेल्ड एम्ब्रियो को किस में डिवाइड कर देगी, 16 सेल स्टेज में, ठीक है। और फोर्थ के बाद देखो ये हो गया फोर एट सेल स्टेज, और फोर्थ क्लीवेज के बाद कितने सेल बन जाएंगे, 16, और फिफ्थ क्लीवेज के बाद कितने बन जाएंगे, 32, ठीक है। और उसके बाद सिक्स्थ क्लीवेज के बाद 64 सेल, ठीक है, यानी कि 64 सेल स्टेज जो है वो सॉलिड स्ट्रक्चर है, उस सॉलिड स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे मोरूला, ठीक है। यहाँ पे आप ड्रॉ कर सकते हैं 60 सेल स्टेज को, उसका साइज नहीं बड़ा दिखाना है, साइज उतना ही दिखाना है जितना जाइगोट का साइज था, लेकिन उसमें सेल जो है वो बहुत सारे बना लेने हैं, और उसमें जो एनिमल हाफ की तरफ जो सेल है वो छोटे साइज के बनाने हैं, और जो वेजिटल हाफ की तरफ जो सेल है वो थोड़ा बड़े साइज के। देखो सिक्स जो सिक्स क्लीवेज तक जो डिवीजन है जाइगोट के, यानी कि जो फर्स्ट क्लीवेज, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, दे आर सिंक्रोनस, यानी कि जो फर्स्ट डिवीजन के बाद दो सेल बनाए बने वो सेकंड क्लीवेज में इक्वली एंटर करेंगे, बराबर एंटर करेंगे, फर्स्ट ब्लास्टोमियर भी डिवाइड करेगी उसी टाइम पे, और उसी टाइम पे सेकंड ब्लास्टोमियर भी डिवाइड करेगी, ठीक है। यानी कि जो सिंक्रोनी है, जो एक साथ डिवाइड करने की जो एबिलिटी है एम्ब्रियो में, वो सिक्स्थ क्लीवेज के बाद लॉस्ट हो जाएगी, यानी कि सिक्स्थ क्लीवेज के बाद जो 64 सेल बन रहे हैं और एम्ब्रियो जो है वो मोरूला स्टेज में एंटर कर रहा है, तो उसके बाद जो है सिंक्रोनी लॉस्ट हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एनिमल हाफ की तरफ जो सेल है दे डिवाइड रैपिडली, वेयर एज सेल्स टुवर्ड्स वेजिटल हाफ डिवाइड स्लोली, वो स्लोली डिवाइड करेंगे, इसलिए वेजिटल हाफ वाले सेल जो है
वो बड़े बड़े साइज के होंगे और जो एनिमल हाफ वाले सेल हैं वो छोटे साइज के होंगे। ठीक है, तो इसके बाद देखो यहाँ पे आपको ये 64 सेल स्टेज मोरूला, क्या बोलेंगे इसको, मोरूला। अब मोरूला के अंदर जो है, मोरूला जो है इसके बाद किसमें चेंज होएगा, अब मोरूला के अंदर ब्लास्टुलेशन प्रोसेस होएगी। ब्लास्टुलेशन यानी कि सेगमेंटेशन होएगी उसकी, आगे जो सेल है वो, ठीक है, वो प्रॉपर पोजीशन पे माइग्रेट करेंगी और जो बीच वाले सेल हैं वो एक तरह से अब अंदर कैविटी डेवलप करना शुरू कर देंगे। यानी कि वो कुछ सेल एनिमल हाफ की तरफ चले जाएंगे, कुछ वेजिटल हाफ की तरफ चले जाएंगे और बीच में एक कैविटी डेवलप हो जाएगी, जो कि शुरू में, अब देखो अब इसमें जो वेजिटल हाफ वाले सेल हैं वो बड़े साइज के हैं, अब जो एम्ब्रियो यहां पे तो आपको सॉलिड फॉर्म में नजर आ रहा था, ठीक है, यहां पे आपको सॉलिड फॉर्म में नजर आ रहा है, ये सॉलिड 64 स्टेज है, इसको हम बोलेंगे मोरूला। लेकिन अब उसी एम्ब्रियो के अंदर एक कैविटी डेवलप कर जाएगी, उस कैविटी को बोलेंगे ब्लास्टोसीट। और जो ये सेल है सिंगल लेयर सेल, इसको बोलेंगे ब्लास्टोडर्म, और इस एम्ब्रियोनिक स्टेज को बोलेंगे ब्लास्टुला, ब्लास्टुला, ठीक है, ब्लास्टुला बोलेंगे। अब अर्ली जो ब्लास्टुला है उसमें जो ब्लास्टोडर्म है वो सिंगल लेयर्ड है, और कैविटी वाले ब्लास्टुला को बोलते हैं सिलिको ब्लास्टुला। सिलिको ब्लास्टुला हमने पढ़ा था ब्लास्टुलेशन वाले चैप्टर में, जहाँ पे हमने डिफरेंट एनिमल के ब्लास्टुला स्टडी किए थे। लेकिन जो लेटर स्टेज का ब्लास्टुला है उसमें क्या होगा, ब्लास्टोडर्म मल्टी लेयर्ड हो जाएगी, मल्टी लेयर्ड हो जाएगी। देखो ये मल्टी लेयर्ड ब्लास्टोडर्म, ब्लास्टोडर्म इज मल्टी लेयर्ड, ये बीच में ब्लास्टोसील, वैसे ही इसको लिख लो अर्ली ब्लास्टुला, इसको लिख लो लेट ब्लास्टुला, लेट ब्लास्टुला। इट ब्लास्टुला स्टेज में जो है ब्लास्टोडर्म मल्टी लेयर्ड होगी, जो यहाँ पे आपको एक लेयर नजर आ रही है, अब यहाँ पे एक से ज्यादा लेयर नजर आ रही है, देखो, ठीक है, तो ये लेट स्टेज का ब्लास्टुला है। पता चल गया इतना आपको, ठीक है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट है फेट मैप और गैस्टुलेशन, ये हम कल करेंगे।